ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन इकाई की विभिन्न मांगों को लेकर तहसील सदर मुरादाबाद के सभी राशन डीलर्स का ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया। मुरादाबाद के पीपलसाना के रहने वाले और राशन डीलर के तहसील अध्यक्ष साबिर हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राशन डीलर की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा, जिनमें उनकी मांगे हैं कि उत्तर प्रदेश के राशन डीलर का मानदेय 30,000 रुपये महीना होना चाहिए, खाद्यान्न का कमीशन 200 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। दूसरे राज्यों के हिसाब से हम उत्तर प्रदेश के राशन डीलर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आभारी रहेंगे तथा 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक खाद्यान्न का वितरण नहीं करेंगे। टीवी चैनल संवाददाता से बात करते हुए तहसील अध्यक्ष सदर मुरादाबाद साबिर हुसैन ने आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि हमारा एक तो मानदेय बढ़ा दिया जाए और हमें 90 पैसे कमीशन मिल रही है, इसकी जगह 200 रुपये क्विंटल कमीशन दिया जाए, जबकि हमारे मुरादाबाद जिले के सारे राशन दुकानदार हड़ताल कर रहे हैं पहली जनवरी से। हम ये चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्या का समाधान करें, हमारा पैसा और हमारा जो बाकी पैसा वो दिया जाए। और हम ये कहते हैं कि हमारे कम से कम 30,000 रुपये की कमीशन तनख्वाह होनी चाहिए, कि राशन डीलर हर काम में सहयोग कर दिया है, पहचान पत्र बनने उसमें सहयोग कर दिया है, आयुष्मान कार्ड बनने उसमें सहयोग कर दिया है। राशन डीलरों ने क्या ऐसा वो कर लिया जो हम लोगों की तनख्वाह बनाई जा रही, या शिक्षा मित्रों की तनख्वाह बढ़ा दी गई है, आंगनबाड़ियों पेंशन बढ़ा दी गई है, क्या मतलब एक राशन डीलर ऐसा कि जो बेचारा परेशान है, हर महीने खाद्यान्न बांटता है, कमीशन कम से कम 200 रुपये क्विंटल हमारी होनी चाहिए या 30,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के राशन डीलर सारे 1 जनवरी से हड़ताल करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपसे प्रधानमंत्री जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी पेंशन तनख्वाह 30,000 रुपये होनी चाहिए या 200 रुपये क्विंटल हमें मानदेय मिलना चाहिए। इसलिए हम आपकी सरकार से मांग कर रहे हैं अपनी, हम सरकार के साथ हैं, सरकार का हम हर उसमें सहयोग करते हैं। कोई हमें आदेश दिया जाता है कि साहब उसमें जाइए, आप क्या नाम है पहचान पत्र बनवाइए, हम पहचान पत्र बनवा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड घर घर जाकर बनवा रहे हैं। इसलिए हमारे 30,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के राशन डीलर बहुत परेशान है, इसलिए हर महीने हम खाद्यान्न वितरण करते हैं, कोई समस्या का हमारा समाधान सुनने के लिए नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर अनुरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि हमारी तनख्वाह 30,000 रुपये होनी चाहिए या 200 रुपये क्विंटल हमें कमीशन मिलना चाहिए। अरे किसके नाम आप ज्ञापन दे रहे हैं? हम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला पूर्ति अधिकारी, मुरादाबाद। क्या आपके साथ और लोग भी? बहुत काफ़ी लोग हैं हमारे साथ, मोहम्मद इस्लाम, फिरासत हुसैन, जुबैर, सफदर अली, मनोज कुमार, अकराम, साहिद, असलम, मोखा, संजय कुमार, नवाबुल्लाह, भगतपुर टांडा के सारे दुकानदार हड़ताल करने जा रहे हैं पहली जनवरी से और 15 जनवरी तक।